नहीं लोगों ने सर, लगाया नहीं है। खालक साहब ये ना कहें वो डाकू नहीं है, आपको लड़ाई का एक पहले परचा है, आपने डाकू बना दिया उसे। मैं क्यों डाकू बना रहा करानी मानी मेरे पुत्र दे ना डकैती दे नजायज परचे दिते हां से भी खोला ने असल डकैत ते पुलिस वाले ने इन्हां दी कोई कोई नहीं आंदा इन्हां दी डकैती वड्डे अफसर उत्ते बैठे रहंदे ने थल्ले मुलाजम छड्डे ने ओ किसे नु लुट जान किसे नु कुछ कर जान आ साडा दिल कहदा बम मैं सर से लीला ते सट दिया मार दे मेरी कुड़ी मोढ कवांड ना भाई ये कोई बदमाशी चल रही है। मियां रियाज़ 42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन सुना है कि पाकिस्तान में ला कानूनियत की इंतहा है और लोग बेचारे गरीब मजदूर जो भी हैं वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते फिरते हैं। यहाँ पर भी मैं एक थाने में मेरे आना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बुजुर्ग दो बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, एक माँ जी हैं बाबा जी हैं, इनके साथ क्या मसला है, ये क्या अपनी दाद सुनाना चाहते हैं। इन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि बेटा हमारी बात सुन लो, तो मैं इनकी बात सुनता हूँ, ये क्या कहते हैं। माँ जी की मसला है थोड़े नाल? मेरा मसला है बेटा मेरा पुत्र बेग ना करो सर्वर जुती लैन गया। अच्छा की ना की थोड़े बेटे का? मुर्तजा। रहते कितने हो? लील पिंड सेहमा थले लील पिंड उत्थे रहनी आ। मेरा बेटा जुत्ती लैन गया है उत्थे सरवर एक मुलाजम खलोता है वाकब ओदे नाल उन्हें सलाम दा लेई गए फैक्ट्री देखो खलोता है। हां जी इहदा मतलब है तुहानू कठियाला बिरका चौकी लगी? हां जी लगी। भावे उत्थे तस्वीर कढ़ा के ही वेख लैन मेरे पुत्र ने सलाम दा लेई गए वह भी मुलाजम है गड्डी चला रहा इन्हां दी उत्थे हो गया मगरों पुलिस पई गए उन्हें दो उन्होंने फड़ लिया फड़ के उन्हें तलाशी लई गए तलाशी लैके 75,000 रुपया ओदे बोझे च 125 मोटरसाइकिल। तलाशी किन्ने लई है जिहड़ा मुलाजम सी ओ कठियाला बिरका चौकी दा? हां जी ओ ना 75,000 रुपया मोटरसाइकिल सी मोबाइल सी पांच चार मुलाजम सन मोटरसाइकिल 75,000 रुपया दो चांदी दियां मुंदरियां ते नाल दो मोबाइल। ठीक है ते तुसीं मां जी एक गल दसो तुहाडा जिहड़ा बेटा है ओदा कोई साबका रिकॉर्ड है क्या कोई थाने दे विच कोई मनशियात कोई चोरी कोई डकैती कोई मामला कैसे? कोई नहीं एक लड़ाई का परचा है। अच्छा, तो कोई मेरे पुत्र बाहर गया सी बाहरों आया है इन्हें मुंह कर लिया भी बाहरों आया है। अच्छा, ते तलाशी ले गए पैसे निकले पैसे रख ले। अच्छा फिर की होया? फिर होया फिर मेरे मुंडे का इन्होंने धक्के दो डकैटियां तीन पा के इन्हें परचे करा दिते नजायज बिना लॉस परचे हुए ने करानी अमानी इन्होंने नजायज की। देखो नाजरीन ये देखें जरा माँ जी कुरानी मानी कह रही है बिल्कुल हलफन कह रही है। हाँ जी करानी अमानी मेरे पुत्र से इन्हें डकैती दे नजायज परचे दिते। हाँ मेरे पुत्र की लड़ाई जरूर होई है मेरी बेटी समझो मैं की गल करनी है दफा हो गई मेरा बेटा मगर चढ़िया भी मैं कुड़ी भी मार छी मुंडा भी मार सानू मजबूरी बनी असी किसी का हथियार भी आंदा असी किसी बंदे भी आते ने असी भाए ने इन्हें बाल पार्टी के नाल इस वीरक साहब ने आ खालक वीरक ने इन्हें उन्हों की मनी है साड़ी को नहीं मनी मेरे पुत्र जाते रिशर्क तो फड़ के इन्हें पैसे भी खोले ने असल डकैत तो पुलिस वाले ने इन्हों की कोई कोई नहीं आता इन्हों की डकैती वड्डे अफसर उत्ते बैठे रहते ने थले मुलाजम छड़े ने किसी लुट जा किसी कुछ कर जा। वैसे भी जो खालक वीरक साहब ASI साहब हैं कठियाला वीरक चौकी के कानूनी पचीदगियों को बड़ा बारीक बीनी से देखते हैं और करते भी हैं वो बड़े पुराने मंजे हुए ASI हैं इंचार्ज चौकी पहले भी रहे हैं और वो कानून को बड़े अच्छे तरीके से समझते भी हैं। हाँ जी हाँ। फिर असी गए हैं मेरे पुत्र ने मैं जमानत कराईया ने वकील किए ने लख इन्हें ले लिया लख रुपया मेरा उत्ते जमानत दे लग गया। अच्छा। करा के वकील ने इन्हू सुपुरदारी दी भी बेटा जाके मोटरसाइकिल ले आ ले लो ओदे कोल गए ने उन्हें आंदा पैसे नहीं देने ते मोटरसाइकिल ले जा मैं उत्ते कवरिया पा छड़ियां। रिकवरी के माध्यम में वो पैसे रख लिए वो अपने भरा नु मदई बना लिया किसी होर नु बना लिया कोई मदई सामने नहीं आया जहां तक सामने ही मदई आंदा ना मदई सामने नहीं आया ते मेरे बेटे नु इन्हें घस दिता उन्हें आख्या जे तू मेरे पैसे नहीं ना देने मैं मोटरसाइकिल भी नहीं लैना। असी आया डिप्टी साहब से इतने नारंग रोड से DSP ऑफिस आए। हाँ जी कचहरी आए कचहरी आए उत्थे दरखास्त दी गई उन्हें एक दो बार बुलाया सानू असी गए साड़ी कोई गल नहीं सुनीची कोई नहीं सुनीची। कल मेरे पुत्र ने उन्हें फोन किया कि तेरी गल होनी कट्ठे इत्थे आ मेरा बेटा उत्थे गया है डिप्टी दफ्तर उत्थे गया है उत्थे मेरे पुत्र ने इन्हें फिर खालक ने चुक के अगर इत्थे डोगर नू दे छड़िया दा ना की ये डोगर पैसे नहीं देने मुंडा चुक लिया फिर चुक ले जा पैसे देने तू मेरे ते दरखास्त देना है ते मैं तेन छड़ा तो फिर गल लेना मैं सवेर की खज्जल होन रही हाँ कि मेरा बेटा दसो कितने वे मेरा बेटा दसो ना खटियाले चौंकी वाले मेरी गल सुनी है ना SP दफ्तर डिप्टी से गई उत्थे गल सुनी जी जे इतने डोगर साहब को आई हाँ उन्हें भी मेरी कोई गल नहीं सुनी उन्हें कहा माँ जी 8 बजे तेरे घर आवाने तेरा पुत्र भी मिला लाँ दे तेनू भी मिल ला दे। अच्छा।
हैं मैं ठाणे बाहर निकल आई हाँ अगो थी मेहरबानी हुई है मेनू टकरे जे रोक मेरी बेटी जवान घर मर गई है मैं पूरा पाया है ते पूरे दे बंदे बैठे ने ते मैं इत्थे खज्जल हुंदी अठ नौ बच्चे ने जाग माँ को नाजी माँ को जो बच्चे हैं वो बड़े ही प्यारे होते हैं। माँ अपने बच्चे को ढूंढती ढूंढती यहाँ पर आई है और खालिक विरक साहब के सामने देख के मुस्कुरा रहे हैं हमें वो सामने गए उनसे भी पूछते हैं आए जरा उनसे भी पहले पूछते हैं आए जी जरा आए पहले उनसे पूछते हैं खालिक साहब गरीन मरीज के की फखरिया पेशकश गरीन हूँ आपके सर इतनी प्यारी मुस्कुराहट लेके कहाँ जा रहे हैं आप कैसे हैं ये माँ जी का क्या दुखड़ा है केड़ी माँ जी कह रहे हैं जी मेरा बच्चा गायब हो गया डकैती का पर्चा दे दिया खालक साहब ने तीन पर्चे दे दिए मेरे इससे पहले कोई कार्ड जाप्ता नहीं है ये माँ जी कह रहे हैं किंदर कार्ड है नाजरीन ये खालक विरक साहब हैं जी इन्होंने रिकॉर्ड खुलवाया आपके बेटे का इसी यहाँ ये जी बिल्कुल माँ जी बिल्कुल सही कह रही थी ये जो तीन डकैतियों में डाला है जी बिल्कुल यही अभी मौजूदा की हैं सबका एक मिनट माँ जी इससे पहले इनका रिकॉर्ड नहीं था गुलाम मुर्तजा का आपके पास रिकॉर्ड था इक्की जो पर्चा जी वो लड़ाई का है जी वो लड़ाई का पर्चा डकैत आदमी है डाकू है नाल पूरा कर रहे अपना गरोह नहीं सर नहीं खालिक साहब ये ना कहें वो डाकू नहीं है आपको लड़ाई का एक पहले पर्चा है आपने डाकू बना दिया उसको मैं क्यों डाकू बनाना है ये एक सब उसके ऊपर लड़ाई का पर्चा है बाकी डकैतियों के पर्चे आपने दिए है भाई ये भी कहने खालिक साहब को डाकू आप पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं क्या मामला है क्या इनका आपके पास है दो क्लाशन को पे आपके घर में पड़ी हुई है उसकी बम्ब अब इनकी दादरसी होगी मैं वीडियो तुम बाहर जा बाहर जा वीडियो तुम मेरी कुड़ी मुड़ गवांड ना भाई ये कोई बदमाशी चल रही है ना कोई तगड़ा गल करे ना कोई माड़ा करे साडी कोई गरीबा तेरह भी पैंसठ का वो पर्चा देना फिर डकैतियों दो चांदी दी मुंदरियां दो मोबाइल बंदा वाकब आख्या साहब हुणियां ने 14,000 तुसीं ते किसे इल्जाम ते ना ना लाई जाओ इन्हां ते नहीं लिया तुहाडे कोल पैसे इन्हें मुंडे की बोझी चो कढ़िया मेरे तो नहीं लिया मुंडे की बोझी चो कढ़िया मेरे तो नहीं लिया वो मुंडे नूं घल्लिया खटियाले दा साहब हुणां नूं आख्या वी मुंडे नूं लभो इन्हें आख्या मेरे कोल उहदा नंबर है वे ते मैं उहनूं फड़ लांदा अजे तक नहीं मेरा वह भी 14 नहीं निकलिया मेरा वह भी नहीं 14 लभा 14,000 अल्लाह जाने पीपा है के पतीला है के कौन ने सारे लुट्टण वाले ने अच्छा खालिक साहब अब इस मां की दादरस की होगी आई हुई है आपके इंसाफ के इंसाफ लेने के लिए आपके पास आई है अब ये क्या कहें क्या करें कहाँ पे जाएं डीएसपी साहब के पास जाएं डीजो साहब के पास जाएं जनाब ये जो रिकॉर्ड गुलाम मुर्तजा का है ये तो खालिक साहब ने बनाया आपने बनाया जनाब मैंने नहीं बनाया किसने बना दिया है ये जो लोगों के साथ इन्होंने किया वो यानी आपने आज चुकया अभी भाई और किसे मुलाजिम मैं चौकी खज्जल हो ठीक है मैं जीती है कुछ माह पहले उसके ऊपर तैयार हुई है अभी वो किस मामले में पकड़ा अभी पकड़ा हुआ पता नहीं मैंने नहीं पकड़ा
बदमाशी जो इन दिल करे कर तरला मारा दी आखा दी बेटा मेरा इंसाफ मिलना चाहिए जिदे को भी मिल जाए मेनू इंसाफ चाहना चाहिए जो खालक विरक साहब थे वो भी अचानक यहाँ सदर थाना में मौजूद उनसे बात हुई है, वो स्पीच लेस थे, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। कानून ऐसा क्यों करता है? ऐसी माओं के माँ जो होती है वो अपने बेटे इसलिए पैदा करती है, फिर जवान करती है की वो ऐसे जो राशि ऑफिसर हैं उनको पकड़ें, उनके ऊपर मुकदमात बनाएं, उनको रिकॉर्ड याफ्ता करें और फिर पुलिस उनको पकड़ती रहे अपने चंद रुपयों की खातर। खुदा रहा ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं डीपीओ साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ बदलें, इनकी वर्दी बदली, इनकी करतूतें नहीं बदली हैं पुलिस वालों की, इनकी करतूतें भी बदलनी चाहिए। ऐसी माएँ क्यों दर बदर भटकती हैं, क्यों परेशान होती हैं अपने बेटों के लिए? जो मुलजमान है वो दुश्मन है माशरे के भी, आपके भी, मेरे भी, सबके भी। जो मुलजमान नहीं है, जो मुजरम नहीं है, जो डाकू नहीं है, जो डकैत नहीं है, खुदा रहा उनको डकैत ना बनाया जाए। ये पंजाब पुलिस मेरी जो बड़ी अच्छी पुलिस है, ये जो माओ के बेटों को डकैत बनाने में मामने मामन साबित ना हो, डकैत बन जाए, इंसाफ इंसाफ के लिए है। मेरे पुत्र नु कल दा मार के सटिया ने बंदे दी, चलो मुलाकात ते करानी चाहिए ना, इना मेरे परसों दी मुलाकात जो स्टोरी है वो एसएचओ साहब से भी जानते हैं क्या कहते हैं। आइए मेरे